इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये पार्ट नंबर टू है। ऑलरेडी मैंने पार्ट वन अपलोड किया है, थ्योरी सेशन भी अपलोड किया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इसमें से कौन सा एक बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म है? पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स की साइलेंस। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा साइलेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इसमें से कौन सा बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म नहीं है? फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स की, ओरल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओरल एक तरह का बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर द फॉर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के कितने फॉर्म्स होते हैं? 1, 7, 3 की 5 to 7 फॉर्म होते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेप प्रॉक्सिमिक्स। इसमें से कौन सा एक प्रॉक्सिमिक्स का फॉर्म है? बॉडी कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, अपेरियंस के सराउंडिंग। तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, दैट इज सराउंडिंग। नेक्स्ट है, बॉडी लैंग्वेज क्या एक स्ट्रक्चर्ड है, फेक्ड है, इनवॉलेंट्री है कि नन ऑफ दिस है? तो बॉडी लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड, ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, प्रॉक्सिमिटी इज किससे रिलेटेड है? स्पेस लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की नन ऑफ दिस। तो ये रिलेटेड है आपका स्पेस लैंग्वेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट या अकाउंट एक तरह का क्या होता है? इंफॉर्मेशनल वर्क होता है, टेक्निकल वर्क होता है, प्रोफेशनल वर्क होता है कि नन ऑफ दिस? तो एक रिपोर्ट या अकाउंट जो होता है वो एक तरह का क्या होता है? इंफॉर्मेशनल वर्क होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, रिपोर्ट्स आर ऑफ्टन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ऑल ऑफ दिस। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। रिपोर्ट जो ऑफ्टन यूज होते हैं ताकि वो क्या कर सकें, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ क्या, एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी की, ऑल ऑफ दिस। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है, कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर। कॉमन फॉर्मेट्स क्या होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के? इंट्रोडक्शन, मेथड, बोथ ए एंड बी की, एन फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर है, द स्ट्रक्चर्ड फॉर रिपोर्ट राइटिंग एज जेनर, एडवांस, डिफिकल्ट की, इजी। तो जो स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट राइटिंग का वो क्या होता है? जेनर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रिपोर्ट यूज फीचर्स आर मोबाइल, ग्राफिक्स एंड इमेजेस, मेथड, अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राफिक्स एंड इमेजेस। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कितने तरह के रिपोर्ट होते हैं? फॉर्मल, रिसर्च, रिज्यूम की, रिवीजन। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की हम बात करें तो ये क्या होता है, दैट इज़ अ फॉर्मल और एक इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है। सेवन नंबर है, विच थिंग वी नीड टू डू इन राइटिंग रिपोर्ट। हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए इन राइटिंग रिपोर्ट जब हम लिखते हैं? पहला है, रिकॉर्ड द सर्वे दैट नॉट कैरी आउट। बी है, रिकॉर्ड डिलीटेड डाटा। रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट की डी नन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग जो लैंग्वेज यूज्ड होती है वो लाउडली होती है, अनक्लियर, विस्पर्स की, एम्बिगियस। तो रिपोर्ट राइटिंग के समय जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, एम्बिगियस होनी चाहिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। जो रिपोर्ट हम हमेशा लिखते हैं वो एक सिक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए, इरेगुलर मैनर में होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए कि डेटा बेस्ड मैनर होना चाहिए? तो वो कैसा होना चाहिए, सिक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए। नेक्स्ट है, रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन, लास्ट पर्सन, बोथ ए एंड बी कि नन। तो रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द लेंथ ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट शुड बी। जो लेंथ होता है इनफॉर्मल रिपोर्ट का वो 1 से 3 पेजेस होना चाहिए, 13 पेजेस का होना चाहिए, 1/5 पेज का कि फुल पेज का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1-3 पेजेस के होने चाहिए। नेक्स्ट है, 12 है, रिपोर्ट शुड प्रीफरली राइट सिक्वेंशियल मैनर, रेगुलर मैनर, इरेगुलर मैनर की नन। तो रिपोर्ट शुड प्रीफरली राइट क्या होने चाहिए, एक सिक्वेंशियल मैनर में क्या होने चाहिए, प्रेफर रिपोर्ट होने चाहिए, लिखने चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर्मल रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज एज। फॉर्मल रिपोर्ट को कितने में कैटेगराइज किया गया है? इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल, रिकमेंडेशन की, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन हो जाएगा, सारे के सारे इसको कैटेगराइज किए गए हैं। नेक्स्ट है, द डेटा प्रोसीड टू सपोर्ट द। नेक्स्ट है, द डाटा प्रोसीड टू सपोर्ट द रिकमेंडेशन शुड बी एक्यूरेट होने चाहिए, अनरिलायबल होने चाहिए, इनकम्प्लीट की, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा, दैट शुड बी अ एक्यूरेट, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट 15 द पर्पज ऑफ ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट, ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट का क्या पर्पज होता है. एनालाइज द प्रॉब्लम, इनकरेक्ट द डिफीट, डिस्क्लोड द डिफीट की ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनालाइज द प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, रिपोर्ट डिस्कस ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन लेस डिटेल, डिटेल, कॉम्प्लिकेटेड की हॉरिजेंटल वे. तो दैट इज डिटेल. नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट ऑफ एक्शन. इसमें से कौन सा रिपोर्ट जो रिपोर्ट ऑफ एक्शन हमें बताता है. एनालिटिकल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, रिकमेंडेशन रिपोर्ट की ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज अ रिकमेंडेशन रिपोर्ट. नेक्स्ट 18 है, इन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स आर ऑर्गेनाइजेशनल डोंट समथिंग. प्रॉब्लम सिम्टम सी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट की ना. तो जो इन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स दैट आर पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ प्लान प्लान फॉर प्रिपेयरिंग ए फॉर्मल रिपोर्ट. इसमें से कौन सा प्लान प्रिपेयर किया जाता है फॉर्मल रिपोर्ट के लिए. ड्रॉ इनवैलिड कंक्लूजन, बी है डिसाइड ऑन रिकमेंडेशंस, सी है फॉर्मुलेट द स्पेसिफिक पर्सन की ऑल ऑफ दीज. तो आंसर सी हो जाएगा, फॉर्मुलेट द स्पेसिफिक पर्सन. नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, रिपोर्ट इज शुड बी इन फैक्ट्स फाइंडिंग्स नॉट फॉल्ट फाइंडिंग की नन. तो रिपोर्ट शुड बी क्या होनी चाहिए, फाइंडिंग. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है 21, विच इज़ वन ऑफ द एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द इनफॉर्मल रिपोर्ट. फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इम्पीरियोडिक रिपोर्ट, बोथ है एंड बी की नन. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट होता है. प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, फॉर्मुलेट रिपोर्ट होता है, बोथ है एंड बी की नन. तो इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट 23, इन पीरियोडिक रिपोर्ट की हम बात करें, इट मैनेज द ट्रैक ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑन पीरियोडिक रेगुलर बेसिस पे, बोथ है एंड बी की इरेगुलर. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट. फॉर्मल रिपोर्ट का पार्ट पूछा गया है, सप्लीमेंट होता है कंपलसरी, नो पर फॉरफिडरी पार्ट की नन. तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज सप्लीमेंट. नेक्स्ट है 25 है, इनफॉर्मल रिपोर्ट किस लिए यूज़ किया जाता है. लॉन्गर डॉक्यूमेंट, शॉर्टर डॉक्यूमेंट, एकेडमिक पेपर्स की ऑल ऑफ दीज. तो इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फॉर शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26, रिपोर्ट्स आर ऑफ्टन कन्वेड इन राइटिंग, स्पीच, टेलीविजन की ऑल ऑफ दीज. तो रिपोर्ट्स आर ऑफ्टन कन्वेड इन ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है 27, विच वन इज नॉट ए इनफॉर्मल रिपोर्ट. इसमें से कौन सा इनफॉर्मल रिपोर्ट नहीं है. इन फाइनेंशियल रिपोर्ट, अनक्रिएटेड रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट की नन. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट. नेक्स्ट 28 है, इन रिपोर्ट जो भी इंफॉर्मेशन होती है, द इंफॉर्मेशन में सिर्फ खाली आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है, बी है द इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, सी है मंथली बजट्स एंड स्टाफ एंड सो ऑन की ऑल ऑफ दीज. तो इन रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशन ओनली क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है 29, विच वन ऑफ ए वेल रिटन रिपोर्ट. क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, बोथ है एंड बी की नन. तो विच वन ऑफ इज अ वेल रिटन रिपोर्ट. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट है 30 नंबर, इन इनफॉर्मल रिपोर्ट दे आर लेस डिटेल, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल, इन स्ट्रक्चर एनी वे की ऑल ऑफ दीज. इन इनफॉर्मल रिपोर्ट दे आर क्या होते हैं, लेस डिटेल. नेक्स्ट है ऑल रिपोर्ट शुड बी रिटन इन एज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की ए और बी बोथ. तो 31 का आंसर हो जाएगा, दैट इज सेकेंड पर्सन. 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मैटर ऑन विच डिफिनेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर की जाती है. लेटर, मेल्स, रिपोर्ट की जॉब एप्लीकेशन. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दैट इज रिपोर्ट. नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूज विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ रिपोर्ट. इसमें से कौन सा रिपोर्ट का टाइप नहीं है, एक्सटर्नल, रूटीन, इंटरनल, बोथ एंड बी. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज रूटीन. नेक्स्ट है 34, अकॉर्डिंग टू पीरियड विच वन इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट. इसमें से कौन सा
टाइप है रिपोर्ट का, इंटरनल, रूटीन, एक्सटर्नल, बोथ ए और बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज़ रूटीन। नेक्स्ट है 35 नंबर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इन अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने तरह की रिपोर्ट होते हैं अगर हम बात करें लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, 4, 6, 5 की 9, तो कितने होते हैं, दैट इज़ 4। नेक्स्ट है 36 है, गुड रिपोर्ट मस्ट हैव, एक अच्छा रिपोर्ट के पास क्या होना चाहिए, क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर, बी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट रिपोर्ट, सी है बोथ ए एंड बी की नन ऑफ दीज। तो एक गुड रिपोर्ट का क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अ क्लियर लॉजिकल क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 37, विच इज़ नॉट इन द रिपोर्ट स्ट्रक्चर, कौन सा इसमें से रिपोर्ट स्ट्रक्चर में नहीं आता है, टाइटल का पेज, रिकमेंडेशन, एब्स्ट्रैक्ट, नन ऑफ दीज। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है 38 नंबर है, इन रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, विच वन कंसिस्ट द क्लियरली स्टेट द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट, लेस ट्रांसमिटल, अपेंडिक्स, टाइटल पेज की बिब्लियोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज टाइटल पेज। 39 नंबर क्वेश्चन, ए लिस्ट ऑफ हेडिंग और अपेंडिक्स ऑफ द रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट, समरी की एब्रीवेशन। तो इसको कहा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट है 40 है, ए शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन द कलेक्टिंग डेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट, सी ग्लॉसरी, समरी की इंट्रोडक्शन। तो उसे हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्ज़ाम देने से पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश स्टेट द पर्पज ऑफ रिपोर्ट, स्कोप ऑफ द रिपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिपोर्ट सेक्शन को क्या कहा जाता है, टाइटल पेज, समरी, इंट्रोडक्शन की ग्लॉसरी। तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है 44 है, द कंटेंट ऑफ द बॉडी विच इज़ डिपेंड अपॉन द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट इज द बॉडी, समरी, इंट्रोडक्शन की कॉन्क्लूजन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज़ बॉडी। नेक्स्ट है 45 है, इन विच इंक्लूड द सम ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट, ए बॉडी रिकमेंडेशन, बी है कॉन्क्लूजन, सी है समरी, एब्स्ट्रैक्ट की डी सजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समरी या एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है 46 है, द सजेशन फॉर फ्यूचर रिफर्ड एज रिकमेंडेशन, बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट की टाइटल पेज। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है 47 है, ए लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑन अ सब्जेक्ट और एनी ऑथर दैट आर यूज्ड या कंसल्टेड टू राइट ऑन रिसर्च पेपर, बुक या आर्टिकल, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी, कॉन्क्लूजन, बिब्लियोग्राफी की सजेशन। तो उसे हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है 48, व्हाट इज एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट के एंड में क्या होता है, टाइटल पेज, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स एंड बॉडी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 49 है, इन रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 8, 7, 5 की 4। तो अगर हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो इसमें आपके टोटल 7 स्टेप्स क्या हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है, विच वन कैटेगरी इज इन्वॉल्व इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस, पर्पज, स्कोप, ए और बी बोथ की समरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी बोथ। ठीक है, अगर वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देते हो। तो प्लीज़ अगर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट तो भाई थोड़ा सा तो ये तो होता ही है कि भाई आप चैनल, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप लाइक करो भाई, अगर आप फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी आप दो। ठीक है, नेक्स्ट है 51, व्हाट कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस, प्लानिंग ऑफ द रिपोर्ट, टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट, समरी ऑफ द रिपोर्ट की बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग ऑफ द रिपोर्ट। नेक्स्ट है 52, इन रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट बाई ए सर्वे, बी ऑनलाइन पब्लिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ
दिस. नेक्स्ट है 53, द कैजुअल रीडर हु वांट द मेन मैसेज एज पेलेजली एज पॉसिबल एज ऑडियंस सर्वे गेट कीपर के पेंडिक्स. तो दैट इज ऑप्शन नंबर ऑडियंस. वाई डू वी नीड टू राइट ए रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट लिखने की क्या ज़रूरत होती है. टू एनेबल टू कीप रिकॉर्ड, टू टेल अबाउट फेल्यूर एंड सक्सेस, टू डिटरमाइन द फर्दर की ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सारे के सारे सही हैं. नेक्स्ट है रिपोर्ट दैट कंटेन्स डिटेल इंफॉर्मेशन रिसर्च डेटा नेसेसरी टू मेक बिजनेस डिसीजन. फॉर्मल रिपोर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट बोथ एंड बी की नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फॉर्मल रिपोर्ट. नेक्स्ट आते हैं 56 क्वेश्चन, ए गुड प्लानिंग इन रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. हाउ मच टाइमिंग डू यू हैव टू राइट द रिपोर्ट, कितना समय आपको रिपोर्ट लिखने में लगा. बी डू इट एट द लास्ट मोमेंट. सी है कलेक्ट द ऑल डेटा विदाउट किसी भी कंफर्मेशन के कि ऑल ऑफ द अबव. तो गुड प्लानिंग रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि कितना आपको टाइम लगा डू हैव टू राइट द रिपोर्ट. नेक्स्ट है 57, यू शुड नो द स्कोप बिफोर राइटिंग एज ईमेल स्टोरी लेटर की इन फॉर्मल लेटर. तो ऑप्शन नंबर बी दैट डी इज फॉर्मल रिपोर्ट. नेक्स्ट है 58, ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस इन योर रिपोर्ट राइटिंग एप्लीकेशन ऑफिशियल लेटर के बिब्लियोग्राफी. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रिपोर्ट राइटिंग. नेक्स्ट है 59, इन रिपोर्ट राइटिंग फ्लो चार्ट पाई चार्ट लाइन ग्राफ और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. अपेंडिक्स इंट्रोडक्शन बॉडी फाइनल टचेस. तो इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं फाइनल टचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर कॉल टू एक्शन एट द एंड इज कॉल ग्लोजरी फिनिशिंग रिकैप की इंट्रोडक्शन. तो दैट इज रिकैप. तो ये मैंने टोटल आपको 60+ MCQ आपको सॉल्व कराए हैं. ये आपका पार्ट नंबर 2 है. पार्ट नंबर 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा और कंप्लीट थ्योरी सेशन भी देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. एंड प्लीज़ वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छी है वीडियो, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है. तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें. ओके, थैंक यू.